डी फिर चैनल। दोस्तों आज मैं लेके आई हूँ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम्स यानी मानव कंकाल तंत्र से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं मेरे चैनल पे सभी वीडियो सभी फिजिकल एजुकेशन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग सिलेबस के अकॉर्डिंग थ्योरिकल एंड एमसीक्यूज एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाए गए हैं जिसे आप देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से इसी तरह और अपनी तैयारी को बेस्ट करते रहिए। तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। जैसा कि दोस्तों क्वेश्चन है कि मनुष्य के चेहरे यानी फेशियल बोन की हड्डी कितनी होती है। तो मनुष्य के चेहरे में कुल 14 हड्डियां होती हैं। जैसे कि दोस्तों हमारे खोपड़ी में यानी कपाल में जिसको हम पूरा स्कल बोलते हैं इसमें 29 हड्डियां होती हैं। इस कपाल के अंदर हमारी खोपड़ी यानी क्रेनियल के 8 बोन और चेहरा यानी फेशियल की 14 और कान की 6 तीन तीन एक एक तरफ है और कंठिका की 1 यानी हाइड बोन। कुल मिलाकर के 29 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट है मनुष्य के सिर में कितनी हड्डी होती है। सिर में यानी कि क्रेनियल बोन कितनी होती है। तो क्रेनियल बोन कुल 8 होती हैं। इन 8वीं हड्डी का नाम है फ्रंटल पेरिटल टेम्पोरल ऑक्सीपिटल स्फिनायर इथेमोयड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमरस हड्डी कहाँ पे स्थित है। तो ह्यूमरस हड्डी हमारे हाथ में ऊपरी हिस्से में स्थित है यानी हमारे जो कोहनी है एल्बो है उसके ऊपर हमारे जो मोटी हड्डी है वो हमारा ह्यूमरस हड्डी है। नेक्स्ट है रेडियस अल्ना हड्डी कहाँ पे स्थित होती है। तो रेडियस अल्ना हड्डी जो है हाथ में कोहनी के नीचे स्थित होती है। जो रेडियस होती है हमारे अंगूठे से प्रारंभ होती है और हमारे कोहनी तक जाती है अंगूठे की तरफ की हड्डी होती है और अल्ना जो होती है हमारे छोटी उंगली की तरफ की हड्डी होती है जो कोहनी तक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में कितनी वक्षीय हड्डी यानी थोरेक्स वर्टिब्रा होती है। तो कितनी होती है 12 जोड़े होती हैं। जैसे कि दोस्तों हमारे रीढ़ की हड्डी यानी कि जो वर्टेब्रल कॉलम है उसमें कुल 33 हड्डियां होती है मेरुदंड में। वयस्कों में 26 होती है और बच्चों में 33 ये याद रखिएगा। और इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है सर्वाइकल जिसमें 7 हड्डियां होती हैं यानी गर्दन की बोन। दूसरा है थोरेसिक बोन यानी जो हमारे वक्ष की बोन होती है 12 हड्डियां होती हैं। तीसरा है लंबर बोन यानी कि जो हमारे कमर की हड्डियां होती हैं 5 होती है। चौथा है सेक्रल बोन जो 5 होती है जो वयस्कावस्था में आने पर 5 मिलकर 1 हो जाती हैं। पांचवा है कॉक्सिजियल बोन जो 4 होती हैं जो बचपन में और वयस्क अवस्था होने पर 4 मिलकर 1 हो जाती हैं। इस प्रकार वयस्कावस्था होने पर कुल 26 हड्डियां बचती हैं मेरुदंड में और बच्चों में पूछेगा तो 33 वयस्क में पूछेगा तो 26 ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाइकल रीढ़ हड्डी कितनी होती है। तो सर्वाइकल रीढ़ हड्डी 7 होती हैं जिसमें से पहला हड्डी होता है एटलस और दूसरा एक्सिस। तो एटलस जो होता है हमारा सिर जो है उसी एटलस पर सधा होता है। तो कहा जाता है कि हमारे खोपड़ी को साधने वाली हड्डी कौन है तो एटलस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंबर रीजन में कितने वर्टिब्रा यानी कि रीढ़ हड्डी होती है। तो लंबर रीजन यानी हमारे कमर में 5 रीढ़ की हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट है किस हड्डी को कॉलर बोन भी कहा जाता है। तो जो क्लेविकल हड्डी होती है उसको हम क्या बोलते हैं कॉलर बोन बोलते हैं ठीक है। क्लेविकल हड्डी जो हमारे कंधे के नीचे पतली सी उरोस्थी जो हमारे वक्ष हड्डी होती है उरोस्थी जिसके जिस उरोस्थी में 12-12 दोनों तरफ पसलियां जुड़ी होती हैं उसके ऊपर से उरोस्थी के सबसे ऊपर से जाती है पतली सी हड्डी दोनों तरफ कंधे में जाके मिल जाती है वो हमारे होता है इस क्लेविकल हड्डी जिसको कॉलर बोन भी कहते हैं। नेक्स्ट किस हड्डी को शोल्डर ब्लेड कहते हैं।
तो हमारे जो कंधे की हड्डी होती है जिसको हम स्कैपुला बोलते हैं, उसी को कहते हैं शोल्डर ब्लेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में बाल और साकेत जोड़ किसे कहते हैं? तो कितनी होते हैं? तो दोस्तों मानव शरीर में बाल एंड साकेट जोड़ दो होती हैं। कौन कौन सी? हमारे शोल्डर ज्वाइंट एंड हमारा हिप ज्वाइंट। अब बाल एंड साकेट ज्वाइंट होता क्या है दोस्तों? यह हड्डी का एक सिरा यानी गोल सिरा दूसरी हड्डी के कप के आकार के सिरे में फंसा रहता है और सभी दिशाओं में गति होती है। इसी को कहते हैं बॉल एंड साकेट ज्वाइंट, जिसमें हमारा कंधे का जोड़ और हमारे कुल्हे का जोड़ आता है। नेक्स्ट है, अचल संधि का दूसरा नाम क्या है? तो अचल संधि का दूसरा नाम फाइबर्स एंड साइनोथ्रोसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पचल संधि यानी सिंपली मूवेबल ज्वाइंट को और किस नाम से पुकारते हैं? तो इसको पुकारते हैं एम्फियार्थ्रोसिस, ठीक है, के नाम से। नेक्स्ट है, स्वतंत्र रूप से चलायमान जोड़ यानी फ्रीली मूवेबल को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है साइनोवियल ज्वाइंट और डायर्थ्रोसिस ज्वाइंट के नाम से। नेक्स्ट है दोस्तों कि मानव शरीर के अंदर अल्पचल संधि यानी सिफ्टली मूवेबल ज्वाइंट का उदाहरण है, तो कौन सा उदाहरण है? प्यूबिक सिंपेसिस, प्यूबिक सिंपोसिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुटने की संधि यानी नी ज्वाइंट कौन सी संधि कहलाती है? तो नी ज्वाइंट कौन सी संधि कहलाती है दोस्तों? चल संधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चल संधि कितने प्रकार की होती है? तो चल संधि 6 प्रकार की होती है। जैसा कि दोस्तों जो चल संधि होती है कितने प्रकार की होती है? 6 प्रकार की। ठीक है, 6 प्रकार की होती है। जैसा कि जो हमारा संधि होता है वो 3 प्रकार का होता है, चल, अचल और अर्धचल। तो चल संधि जो होता है उसको हम फाइबर्स ज्वाइंट एंड साइनोथ्रोसिस बोलते हैं, अचल संधि को, एंड अर्धचल संधि को कार्टिलेजियस ज्वाइंट एंड एम्फियार्थ्रोसिस बोला जाता है, और चल संधि को साइनोवियल ज्वाइंट या फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट और डायथ्रोसिस बोला जाता है। इसको याद करने का एक ट्रिक है दोस्तों, DAS, दास, यानी कि चल, अर्धचल और अचल, ऐसे याद कर लीजिए। दास, डी से डायथ्रोसिस यानी कि चल संधि को कहा जाता है, ए से एम्फियार्थ्रोसिस यानी अर्धचल संधि को कहा जाता है, यस से साइनोथ्रोसिस यानी कि अचल संधि को बोला जाता है। तो इसमें दोस्तों जो अचल संधि होता है वो हमारे खोपड़ी का जोड़, हमारे दांतों का जोड़ और एंटीरियर टिबिया फिबुला जोड़ आता है, और जो अर्धचल संधि है उसमें हमारा सिम्फेसिस ज्वाइंट यानी कि हमारे इंटरवर्टिबल ज्वाइंट यानी रीढ़ की हड्डी की जोड़ आता है, और प्यूबिक सिम्फेसिस यानी कि हमारे कुल्हे का सबसे निचला हिस्सा टेल बोन के पास आता है, एंड सिंक्रोडोसिस यानी कि हमारे जो पसलियां हैं, रिब्स की हड्डियां हैं, उनका जोड़ आता है अर्धचल संधि में, और तीसरा होता है आपका चल संधि। चल संधि में 6 प्रकार के ज्वाइंट्स आते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि चल संधि कितने प्रकार का होता है? तो चल संधि कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का। कौन कौन से 6 प्रकार के होते हैं चल संधि यानी फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट, जिसको साइनोवियल ज्वाइंट एंड डायर्थ्रोसिस बोला जाता है? तो यह 6 प्रकार की होती है। पहला है फिसलने वाले जोड़ यानी ग्लाइडिंग ज्वाइंट, बाल, दूसरा बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट, तीसरा हिंज ज्वाइंट, चौथा कॉन्डिलवर ज्वाइंट, पांचवा पिवट ज्वाइंट, छठवा सैडल ज्वाइंट। तो दोस्तों जो फिसलने वाले जोड़ यानी ग्लाइडिंग ज्वाइंट होता है वह हड्डियों की 2 चपटी सतह एक दूसरे के ऊपर फिसलती है, जैसे कार्पस और टार्सस जोड़।
एंड दूसरा होता है बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जिसमें हड्डी का एक सिरा यानी एक गोल सिरा दूसरी हड्डी यानी कप के आकार के हिस्से में फंसा रहता है और सभी दिशाओं में गति होती है। इसमें दो एग्जाम्पल है आपके शोल्डर ज्वाइंट एंड हिप ज्वाइंट। तीसरा होता है हिंज ज्वाइंट यानी जिसे कब्जा जोड़ भी बोला जाता है। यह एक तल में गति होती है, इसमें एक ही दिशा में जिस प्रकार दरवाजा एक ही तरफ खुलता है उसी प्रकार इसमें भी एक तरफ गति होती है। इसमें उदाहरण है आपका नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, उंगलियों का जोड़ और जबड़ों का जोड़। और चौथा है आपका कॉन्डिलॉयड ज्वाइंट, इसमें दो तल में गति होता है, इसमें घूर्णन नहीं होता है, इसमें हमारा ब्रिस्ट यानी कलाई का जोड़ आता है। पांचवा होता है पिवट ज्वाइंट, जिसमें सिर्फ रोटेशन मूवमेंट होता है, एक हड्डी का सिरा दूसरी हड्डी के नुकीले सिरे पर घूमता है, जैसे हमारे सिर की गति और हमारे रेडियस अल्ना हड्डी के ऊपर प्रोनेशन तथा सुपाइनेशन जैसे घूर्णन गति होते हैं। और छठवां होता है सैडल ज्वाइंट, जिसमें जिसको परस्पर आदान प्रदान करने वाली संधि बोला जाता है, यानी इसमें किसी भी दिशा व तल में गति होती है। इसमें आपका एग्जाम्पल है हमारे हाथ की हथेली की ट्रेपीजियम तथा प्रथम मेटाकार्पल अस्थि की संधि, जिसमें हमारा अंगूठा जो है प्रत्येक उंगली के सामने जा पाता है, ये आपका सैडल ज्वाइंट होता है। तो ये था हमारा ज्वाइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पीवट ज्वाइंट कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों हमारे मानव शरीर में पीवट ज्वाइंट जो है हमारे गर्दन और हाथ के रेडियस और अल्ना ज्वाइंट होती है। नेक्स्ट है, कलाई यानी ब्रिस्ट को कौन सी संधि कहा जाता है? कलाई यानी ब्रिस्ट को कॉन्डिलॉयड ज्वाइंट बोला जाता है दोस्तों, इसमें दो तल में गति होती है। नेक्स्ट है, कार्पस एंड टार्सस हड्डियों का जोड़ किस प्रकार की संधि कहा जाता है? तो ये एक दूसरे पर फिसलती है दोस्तों, इसे ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहा जाता है। नेक्स्ट है, संधि यानी ज्वाइंट के पास दो हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक क्या कहते हैं उसको? तो उसको कहते हैं लिगामेंट। यानी लिगामेंट क्या करता है? दो हड्डियों को जोड़ों पर जोड़ता है, ठीक है। और टेंडन क्या करता है? मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। और लिगामेंट क्या करता है? हड्डियों को हड्डियों से जोड़ों पर जोड़ता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, संधि में दो जो हड्डियों के ऊपर जो आवरण चढ़ा रहता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जोड़ों पर गद्दी, हड्डियों के ऊपर गद्दे जैसा, जैसे बाइक में आपका साकर होता है उसको ऊपर नीचे ले जाता है, उसी प्रकार गद्दे जैसा ज्वाइंट पर जुड़ा रहता है, उसको कहते हैं कार्टिलेज यानी कि उपास्थि। नेक्स्ट है दोस्तों, इसकी संधि यानी ज्वाइंट में कौन सा तरल पदार्थ भरा रहता है? तो जो हमारे हड्डियों का जोड़ होता है वहां पे कौन सा तरल पदार्थ भरा रहता है दोस्तों? तो साइनोवियल फ्लूइड यानी कि साइनोवियल द्रव भरा रहता है, जिससे हमारे हड्डियां जो है वो घिसती नहीं है, यानी वो चलायमान रहती है, जिस प्रकार बाइक या मोटर कार में ग्रीस डाला जाता है दोस्तों कि उसमें जो चलायमान हो लोहा यानी बाइक या मोटर कार के जो पार्ट्स हैं वो पुर्जे हैं वो घिसे नहीं, उसकी लंबी आयु हो, इसलिए उसमें लगाया जाता है। उसी प्रकार हमारे हड्डियों के बीच में साइनोवियल द्रव होता है जो हमारे हड्डियों को हमेशा यंग रखता है, स्वस्थ रखता है। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी और कहाँ पाई जाती है? तो शरीर में सबसे बड़ी हड्डी हमारे जांघ में फीमर एंड होता है जांघ में, ठीक है। नेक्स्ट है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी और कहाँ पाई जाती है? तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी हमारे कान में पाई जाती है, जैसा कि हमारे कान में तीन हड्डियां होती हैं, माइलिस, इनिकस, स्टेपस, दोनों तरफ तीन तीन होती हैं यानी कुल छह होती हैं, जिसमें सबसे छोटी होती है स्टेपस। नेक्स्ट है, अपर लिंब की सबसे बड़ी हड्डी कौन, क्या नाम है? तो अपर लिंब की सबसे बड़ी हड्डी होती है दोस्तों ह्यूमरस, यानी हमारे हाथ की कोहनी के ऊपर जो कंधे तक जुड़ी रहती है एक हड्डी मोटी सी, उसको ह्यूमरस बोलते हैं। जैसे कि हमारे अपर लिंब में कुल 64 हड्डियां पाई जाती है, यानी कि 30 एक हाथ में, दूसरे हाथ में 30 दुना 60 हो गया, दो हमारे कंधे यानी 62 हो गया, दो हमारे हसली यानी क्लेविकल बोन यानी 64 हो गया। अपर लिंब में 64 हड्डी और लोअर लिंब में 62 हड्डी, ठीक है। 30-30 हमारे दोनों पैर में हो गया और दो हमारे कुल्हे की हड्डियां हो गई यानी 62 हड्डी, ठीक है। यानी कि हमारे हड्डियों को 206 हड्डियां कुल पाई जाती है हमारे शरीर में, जिसको दो भागों में बांटा गया है। एक्सियल कंकाल जिसमें 80 हड्डियां पाई जाती है, जिसके अंदर हमारे कपाल की 29 हड्डियां, मेरुदंड की 33 हड्डियां,
और पसलियों की 24 हड्डियां और एक उरोस्थी मिलाकर के 80 हड्डियां होती हैं। और दूसरा पार्ट होता है अपेंडिकुलर, जिसमें 126 हड्डियां होती हैं, जिसको दो भाग में बटा गया है। अपर लिम, जिसमें दोनों हाथ, दोनों कंधे और हसली आती है, जिसमें 64 हड्डियां होती है। और लोअर लिम में हमारे दोनों पैर और कुल्हे आते हैं, जिसमें 62 हड्डियां होती है। इस प्रकार 126 206 हड्डियां होती है हमारे शरीर में। नेक्स्ट दोस्तों, टिबिया फिबुला हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टिबिया फिबुला हड्डी आप सबको पता है कि यह हमारे पैरों में पाई जाती है। नेक्स्ट है संधि यानी ज्वाइंट के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ज्वाइंट के अध्ययन को आर्थोलॉजी बोला जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। और अस्थियों के हड्डियों को अध्ययन को आर्थियोलॉजी और उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी, ठीक है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों यानी बोन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हड्डियों यानी बोन के अध्ययन को अस्थि विज्ञान या ऑस्टियोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कितनी वर्टिब्रा यानी रीढ़ की हड्डी पाई जाती है? तो दोस्तों कितनी पाई जाती है? 26 पाई जाती है, ठीक है। जैसा ऑप्शन रहेगा उसके अनुसार आप आंसर देंगे, बच्चों में पूछेगा तो 33, ठीक है। नेक्स्ट है, कलकेनम हड्डी कहां स्थित होती है? तो दोस्तों कलकेनम हड्डी हमारे जो एड़े की मोटी सी हड्डी होती है उसको कहते हैं कलकेनम हड्डी, ठीक है। नेक्स्ट है, स्टर्नम कहाँ होती है? तो स्टर्नम जो होती है हमारे वक्ष यानी छाती पे होती है, जिसमें दोनों तरफ 12-12 पसलियां जुड़ी रहती हैं। नेक्स्ट है, दांतों को उनके आकार के अनुरूप में कितने भागों में बांटा गया है? तो दांतों को उसके आकार के रूप में 4 भागों में बांटा गया है, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोरल, मोरल, ठीक है। नेक्स्ट है, दांतों की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो दांतों की ऊपरी परत को कहते हैं एनामिल। क्या कहते हैं? एनामिल। यह हमारे शरीर की सबसे कठोर भाग होती है। नेक्स्ट है, संधियों द्वारा कितने प्रकार की कोणीय गति होती है? तो दोस्तों संधियों द्वारा 4 प्रकार की कोणीय गति होती है। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की कोणीय गति यानी ज्वाइंट मूवमेंट होती है। कौन कौन सी? ग्लाइडिंग मूवमेंट, जिसमें कार्पस टाटस ज्वाइंट आता है, और दूसरा एंगुलर मूवमेंट, तीसरा रोटेटरी मूवमेंट, चौथा सर्कमडक्शन मूवमेंट। तो ग्लाइडिंग मूवमेंट में कार्पस टाटस टार्सस हड्डियां आती है, एंड दूसरा है एंगुलर मूवमेंट यानी कि हड्डियों के बीच का कोण बढ़ना घटना यानी फ्लेक्शन एक्सटेंशन और एब्डक्शन एडक्शन आता है, जिसके बारे में मैं डिटेल में जोड़ वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। तीसरा होता है रोटेटरी मूवमेंट, जिसमें घूर्णन गति होती है, जैसे हमारे शरीर में यह 4 प्रकार की होती है रोटेटरी मूवमेंट। इनवर्सन यानी कि पैर के पंजों को ऊपर की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंज ज्वाइंट कौन सा है? तो हिंज ज्वाइंट कौन सा है? हमारे एल्बो ज्वाइंट यानी कोहने का ज्वाइंट जो होता है, हिंज ज्वाइंट होता है, जिसमें एक तरफ में गति होती है। जैसे दरवाजा हमारा एक तरफ खुलता है, उसी प्रकार हमारी कोहनी की गति भी एक तरफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांतों में इंसीजर्स की कितने होते हैं? तो इंसीजर जो है वो होते हैं 4। नेक्स्ट है, दांतों में प्रीमोरल्स कितने होते हैं? तो प्रीमोरल्स होते हैं 8। एंड दांतों में मोरल्स कितनी होते हैं? तो कुल 12 होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जोड़ों की गति, जिसमें कोड़ी एवं घोड़ी दोनों गति होती है, उसे हम क्या कहते हैं? अभी मैं तुरंत बताई, उसको कहते हैं सर्कमडक्शन मूवमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि सचल जोड़ किसे कहते हैं? इसको ही बता चुकी हूं, अचल संधि है, हमारी खोपड़ी का जोड़ है। नेक्स्ट है, पेक एंड साकेट संधि किसे कहते हैं? तो हमारे दांतों के जोड़ को कहते हैं, जो अचल संधि में आता है। नेक्स्ट है, अस्थि संस्थान का क्या कार्य है? तो अस्थि संस्थान हमको क्या प्रदान करता है दोस्तों? एक निश्चित आकृति एवं गति प्रदान करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, एक वयस्क व्यक्ति के मेरुदंड में कुल कशेरुकाएं होती हैं? तो कितनी होती है? कुल 26। नेक्स्ट है, खोपड़ी को साधने वाली कशेरुका कौन सी होती है? शीर्षधर कशेरुका यानी जिसे एटलस बोला जाता है, जो हमारे सर्वाइकल बोन का पहला हड्डी होता है। नेक्स्ट है, कंधे पर किस प्रकार की संधि होती है? दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है, गड्ढा संधि, जिसे बर एंड सॉकेट ज्वाइंट बोलते हैं।
नेक्स्ट है कपाल की अस्थियों में किस प्रकार की संधि पाई जाती है। जैसा आप सबको पता है अचल संधि पाई जाती है हमारे कपाल की हड्डियों में एंड हमारे दांतों की हड्डियों में एंड एंड इंटीरियर टिबिया फुल्ला हड्डी में। नेक्स्ट है मनुष्य की अस्थि संस्थान में कुल कितनी अस्थियां होती है। तो आप सबको पता है 206 हड्डियां होती है। नेक्स्ट है अस्थि संधियां शरीर को क्या प्रदान करती है। तो जो हमारे जोड़ होती है अस्थियों की हमारे शरीर को गति प्रदान करती है। नेक्स्ट है बच्चों की मेरुदंड में कुल कितनी कशेरुकाएं होती है। तो बच्चों में कितनी होती है 33, वयस्कों में कितनी होती है 26, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है बाहू में कोहनी के स्थान पर कौन सा जोड़ पाया जाता है। तो बाहू में कोहनी के स्थान पर पाया जाता है कब्जेदार संधि। ठीक है तो दोस्तों ये था कंकाल तंत्र से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। जैसा कि आपको समझ में आया होगा ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट में जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया कीजिए। ऐसे ही वीडियो हमेशा पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जुड़े रहिए मेरे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे, जैसे आपका प्रैक्टिस अच्छा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।